चलिए बच्चों, हम समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का जो सूत्र है उसे एक और विधि द्वारा देखते हैं, जिसे हम निगमन विधि कहेंगे। इसके लिए मान लीजिए समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है, इसलिए समांतर श्रेणी किस प्रकार लिखाएगी? प्रथम पद ए, उसका दूसरा पद प्रथम पद में सार्वांतर को जोड़ने पर प्राप्त होगा, और तीसरा पद हमें मिलेगा ए धन टू डी, और इसी प्रकार आगे। ये समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी का एनवा पद हम देते हैं ए धन एन माइनस वन इंटू डी से। यह हमने पहले भी देखा है कि किसी भी समांतर श्रेणी का जो एनवा पद है वो होता है ए धन एन ऋण एक गुणित डी। माना एस एन इस समांतर श्रेणी के प्रथम एन पदों का योग है, समांतर श्रेणी के उसको हम एस एन से व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए समांतर श्रेणी के प्रथम एन पदों का योगफल एस एन द्वारा व्यक्त कर रहे हैं, तो इसे हम इस प्रकार लिखेंगे ए धन डी ए धन टू डी, और इसी प्रकार आगे। ये हम एन पदों तक सभी पदों को जोड़ रहे हैं, तो इसका एनवा पद यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए धन एन ऋण एक गुणित डी। अब इसके पहले का पद क्या होगा? आप देखिए कि यहाँ पर देखिए ए धन डी ए धन टू डी, ये तीसरा पद है, इस प्रकार हम यहाँ एनवे पद तक आए हैं। तो इसके पहले वाला जो पद होगा उसे किस प्रकार लिखा जाएगा? उसे हम लिखेंगे ए धन, यहाँ पर ये एन ऋण एक है, यहाँ ये उससे एक और कम होगा, यानी कि एन ऋण दो गुणित डी। ये हमारे एनवे पद से पहले का एन माइनस वनवा पद है, और एन माइनस वनवे पद में आपने एन माइनस वन किया, इसलिए यहाँ पे क्या मिलेगा? एन माइनस टू। चलिए अब यदि ये जो हमें योगफल मिला है इसके पदों को विपरीत क्रम में लिखने पर हमें मिलेगा प्राप्त होगा फिर से एस एन बराबर, हम विपरीत क्रम में लिख रहे हैं इसलिए ये सबसे पहले लिखना होगा, हम लिखेंगे ए धन एन ऋण एक गुणित डी धन, उसके बाद ये पद आएगा ए धन एन ऋण दो गुणित डी धन, इसी प्रकार आगे। और फिर हम इसको जोड़ते चले जाएं तो पहले ये वाला पद आएगा ए धन टू डी, फिर ए धन डी, और इस विपरीत क्रम का हमारा जो अंतिम पद होगा वो होगा ए। इसे समीकरण एक और समीकरण इसे दो के रूप में यदि देखें तो समीकरण एक और दो को पदों के अनुसार जोड़ने पर
तो समीकरण एक और दो को जब हम जोड़ेंगे तो इस पक्ष में हमें मिलेगा Sn धन Sn बराबर, पदों के अनुसार हम जोड़ रहे हैं तो जो पहले पद का a जो है वो हमारे विपरीत क्रम में इस पद के साथ जुड़ जाएगा a धन n ऋण 1 d। इसे एक कोष्टक के लिए हम बार से निरूपित कर देते हैं। दूसरा पद जो जुड़ेगा वो किस प्रकार होगा, a धन d जो है वो जुड़ जाएगा a धन n ऋण 2 और गुणित d से। बिल्कुल इसी प्रकार आगे बढ़ने पर हमें मिलेगा a धन 2d, बार से निरूपित करें, और उसके बाद a धन, यहाँ देखिए ये n माइनस 2 इंटू डी है तो यहाँ लिखेंगे हम इसको n माइनस 3 इंटू डी से, प्लस आगे इसी प्रकार बढ़ते जाए तो अब जो यहाँ पर हमें पद प्राप्त होगा वो होगा a धन n ऋण 2 जो है गुणित d। ये पद जो जुड़ेगा वो जुड़ जाएगा a धन d से, और अंतिम पद जो होगा वो होगा a धन n माइनस 1 इंटू d जो है ये जुड़ जाएगा a से। इस प्रकार हम पदों के अनुसार इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ने से हमें क्या प्राप्त होगा, तो अब इसे हम हल करते हैं। हमें मिलेगा 2 गुणित एस एन बराबर, यहाँ पर देखिए कोष्टक को हल करते जाएंगे हम, खोलकर हल करके लिखेंगे तो मिलेगा हमको यहाँ पर 2 ए धन एन ऋण 1 गुणित डी। अगले पद में उसी प्रकार देखिए ए जो है वो दो बार हमें दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पर भी हमें मिलेगा 2 ए धन। अब देखिए यहाँ पर डी एक बार दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ऋण 2 डी है, इसे हल करने पर हमें क्या मिलेगा, पूरा कोष्टक खोल के कराऊं क्या, हल करूं कि डायरेक्ट लिखूं, ठीक है समझाना चाह रही थी। ठीक है चलिए अगले पद में देखिए, यहाँ पर भी a जो है वो कोष्टक में खोलने के बाद हम इसे लिख सकते हैं 2 a और उसके बाद n माइनस 2 गुणित d है और एक d यहाँ पर मिल रहा है, इसे हल करने पर कितना मिलेगा n ऋण 1 गुणित d धन। इसी प्रकार आगे हम इसे देखते जाएं तो हमें अंतिम पद जो मिलेगा वो है 2 a धन n माइनस 1 इंटू डी। जो हमारा ये जो समीकरण है इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, इसमें हमारे कुल पद जो है वो n पद हैं, तो इस समीकरण के दाहिने पक्ष में पदों की संख्या n है, तो हमें मिला 2 एस एन बराबर, ये कितनी बार हुआ, एक बार दो बार, ऐसा ही हम कितने बार कह रहे हैं क्योंकि यहाँ n पद है, तो ये कितनी बार मिलेगा इन्हें हमें n बार, यानी कि n गुणित 2 a धन n ऋण 1 गुणित d। तो Sn का मान हमें मिल गया n बटे 2 2 a धन n ऋण 1 गुणित d। तो किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का जो योगफल है वो इस सूत्र द्वारा दिया जाता है। हमने देखा कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल Sn बराबर हम देते हैं n बटे 2 2 a धन n ऋण 1 गुणित d से।
इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसे दो ए को लिख सकते हैं ए धन ए धन एन ऋण एक और गुणित डी से। अब यदि आप इस पर ध्यान दें तो ये क्या है, किसी श्रेणी का एनवा पद, तो इसे हम यहाँ पर लिखना चाहें तो हम लिखेंगे ए और ये किसी श्रेणी का एनवा पद है जिसे हम ए एन से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो हमने देखा एस एन बराबर एन बटे दो ए धन ए एन। अब यदि किसी समांतर श्रेणी का, यदि किसी समांतर श्रेणी में केवल n पद हो, n ही पद हो, तो nवा पद क्या होगा उसका, nवा पद an ही उसका कौन सा पद होगा, वो ही उसका अंतिम पद होगा। तो nवा पद an ही अंतिम पद होगा, इसका मतलब an जो है वो अंतिम पद l हुआ। इसलिए अब इस sn को हम यहाँ पर, ये जो समीकरण हमें मिला इसे हम कैसे लिख सकते हैं, sn बराबर n बटे दो a धन इसकी जगह आ जाएगा स्मॉल n। यानी कि यदि हमें किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो और पदों की संख्या ज्ञात हो तो इस सूत्र की सहायता से हम उस समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि यदि हमें किसी समांतर श्रेणी के प्रथम जितने पदों का योगफल ज्ञात करना है वो दिया हो और उसका प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो तो इस सूत्र की सहायता से हम उसका योगफल ज्ञात कर सकते हैं।